अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जंजानी टीवी। आज जैसे कि आप लोगों को इल्म है कि 2 मार्च का दिन है और 2 मार्च के हवाले से आज मैं मौजूद हूँ कराची में। कराची में आप मुझे मिलना चाहें तो मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर मुझे अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि हमारी जो भी वीडियो आए आप लोगों को फौरी तौर के ऊपर उसका नोटिफिकेशन आ जाए, और या जब हम लाइव अपने प्रोग्राम्स करें तो लाइव आपको हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए जल्द और बेहतर तौर के ऊपर इनविटेशन मिले। आज के दिन के हवाले से हम लोग आपके दिन के हालात को अगर देखें तो जो पहला ज़ोडिक साइन एरिस है, बुर्ज हमल, आप लोगों के आज के दिन की प्लैनेटरी पोजीशंस काफ़ी हद तक खानकी और फाइनेंशली तौर के ऊपर दोनों ही सूरतों में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशगवाराना इकदाम आपको देखने को मिलेंगे। मतवक्को तौर के ऊपर आपके वो माली आमदन और वसाइल के हवाले से चीज़ें जो कि रुकी हुई थी माजी में, तो मुमकिन तौर के ऊपर इस हफ्ते के पहले दिन आपके काफ़ी हद तक आमदन के वसाइल बहाल होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन टॉरस, बुर्ज सौर को अगर हम लोग देखें तो आप लोगों का जो आज का दिन है, आज मतवक्को तौर के ऊपर आपको जहनी और तख्लीकी और तमीरी सलाहियतें उभरती हुई महसूस होंगी, लेकिन दिन के आगाज़ के ऊपर अगर वक्ती तौर के ऊपर कुछ ऐसी सोच आपके दिमाग में उभर आए जो कि सेंसिटिविटी के हवाले से हो, बहुत ज़्यादा हसासियत के हवाले से हो, हालात को आप बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहे हों, तो उस ख्याल और सोच को झटक दीजिएगा, क्योंकि मामलात जो हैं इंशाल्लाह जैसे जैसे दिन गुजरता चला जाएगा चीज़ें आपके हक में होती चली जाएंगी। अगले ज़ोडिक साइन जेमिनी, बुर्ज जौजा को अगर हम लोग देखें तो जेमिनी वालों का जो आज का दिन है, मतवक्को तौर के ऊपर ये कल के दिन का ही कुछ तसलसल है, लेकिन प्रैक्टिकलिटीज़ के हवाले से कोशिश करें कि आज कोई भी ऐसा अहद ना करें जिसका पास ना रख सकें। अपने अल्फाज को सोच समझ के इस्तेमाल कीजिएगा। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन कैंसेरियंस, बुर्ज सरतान को अगर हम लोग देखें तो कैंसेरियंस का जो आज का दिन है, आप लोग काफ़ी हद तक आज के दिन रोमानवी ज़िंदगी के ऊपर फोकस करते हुए नजर आएंगे, अपने रिश्तों को, अपनी ख्वाहिशात को, अपने फ्रेंड्स के सर्कल को बेहतर करते हुए नजर आएंगे, और मतवक्को तौर के ऊपर आपकी कुछ दरीना ख्वाहिशात जो काफ़ी अरसा से पूरी नहीं हो रही थी, अगर आज के दिन वो पूरी हो जाएँ तो ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी। अगले ज़ोडिक साइन की जानिब बढ़ें तो अगला ज़ोडिक साइन है लियो, बुर्ज असद। आप लोगों का जो आज का दिन है, आज मतवक्को तौर के ऊपर आज के दिन काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं आपकी मेंटली तौर के ऊपर थोड़ी सी रिफ़ाइन होने की ज़रूरत है। आपको अपने डिसीजंस, सोच, मिजाज, अपना किरदार, इखलाक, अपनी आदत, इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा रिफ़ाइन ज़रूर कीजिएगा। सोच में थोड़ी सी तब्दीली का अमल जारी कीजिए, आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में अच्छे बेहतर सम्राट मौजूद हैं। अगले ज़ोडिक साइन की जानिब बढ़ें तो अगला ज़ोडिक साइन है वर्गो, यानी कि बुर्ज संभला। आप लोगों का जो आज का दिन है, आपको आज के दिन के हवाले से कोई भी काम की इब्तिदा करने से पहले उसको एक दफ़ा सेकंड थॉट ज़रूर देना है, चाहे वो 5 मिनट का गैप दें, चाहे 10 मिनट का गैप दें, चीज़ों में दोबारा से एक दफ़ा फिर से सोच के फिर अमल दरामद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मतवक्को तौर के ऊपर आज आपकी डिसीजन पावर इतनी अच्छी नहीं नज़र आ रही जितना आप समझे हुए हैं। अगले ज़ोडिक साइन की जानिब बढ़ें तो अगला ज़ोडिक साइन है लिब्रा, यानी कि बुर्ज मेज़ान। आप लोगों का आज का जो दिन है ये कुछ जज्बातियात की तरफ उभरता हुआ नज़र आता है। बिला वजह की फ्रस्ट्रेशन, बिला वजह का अग्रेशन और बहस व तकरार बिल्कुल नहीं कीजिएगा, अदरवाइज़ वो तूल पकड़ सकती है और हालात आपकी गिरफ्त से निकल सकते हैं। थोड़ा सा तहम्मुल मिजाज आज के दिन आपने दिन गुजारना है तो मतवक्को तौर के ऊपर चीज़ें आपके हक में रहेंगी। अगले ज़ोडिक साइन की जानिब निगाह बढ़ाएं तो अगला ज़ोडिक साइन है हमारे पास स्कॉर्पियंस, बुर्ज अक्रम। आप लोगों की जो आसमानी काउंसिल के ऊपर प्लैनेटरी पोजीशंस नज़र आती हैं, ये काफ़ी हद तक मजहब, रूहानियत और दूसरों को अपनी ज़ात से कुछ ना कुछ डिलीवर करने के हवाले से, कुछ पॉजिटिविटी की तरफ, कुछ चीज़ों में मुस्बत पहलू उजागर करने की तरफ, और कुछ ऐसी सोच आपके आज के दिन में शामिल रहेगी कि आपकी ज़ात से जो जुड़े हुए दूसरे लोग हैं वो काफ़ी हद तक फैज़मंद होते हुए नज़र आएंगे। अगले ज़ोडिक साइन की जानिब निगाह दौड़ाएं तो अगला ज़ोडिक साइन है सेजिटेरियस, बुर्ज कॉस। आप लोगों को आज के दिन के हवाले से अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसमें अपने जल्दबाजी नहीं करनी, जॉब को तब्दील करना या इवन जो मुलाजमत आप कर रहे हैं उसमें कोई नई जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर सौंपी जा रही हैं तो उन जिम्मेदारियों में भी थोड़ा सा सोच समझ के चीज़ों को आपने करना है, जल्दबाज बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि जल्दबाजी में चीज़ें आपकी आज के दिन ख़राब हो सकती हैं। कैप्रिकॉर्न्स, बुर्ज जदी, आप लोगों का जो आज का दिन है अनएक्सपेक्टेडली तौर के ऊपर सोच में तफक्कुरात उभर सकते हैं,
کل کا دن جیسا آپ کا پرسکون گزرا تھا آج تھوڑا سا دن جو ہے یہ تفکرات کا حامل ہوگا اور بلا وجہ کی اگریشن فرسٹریشن پریشانی جو ہے یہ آپ کے دن میں شامل رہے گی تو کوشش کیجیے گا کہ دن کے آغاز کے اوپر بھی اپنا ایک حکمت عملی وضع دے لیجیے گا کہ آپ نے آج کے دن کن کن کاموں کو پرائیورٹیز کے اوپر کرنا ہے ایکویرینس برج دلو آپ لوگوں کا ہم لوگ آج کا دن دیکھیں تو آج تھوڑی سی شہانہ مزاجی کل کے دن میں سے بھی شامل آپ کے آج کے دن میں رہے گی لیکن آج کے دن جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا علم و ادب کے حوالے سے شوق جو ہے یہ اجاگر ہوتا ہوا نظر آئے گا اسپیشلی جو اسٹوڈنٹ حضرات ہیں آپ کافی حد تک ایک منفرد انداز میں اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچا سکیں گے جس کی وجہ سے آپ کا عزت کا گراف دوسروں کی نظروں میں بڑھ سکتا ہے پائسز برج ہاتھ آپ لوگوں کا جو آج کا دن ہے آپ کے آج کے دن کے متوقع طور کے بڑھ چیزیں آپ کے کیریئر عزت اور آپ کے اوور آل جو آپ نے ماضی میں غلطیاں کی تھیں اس کے سیکھنے کے عمل سے آج کچھ مستحکم فیصلے آپ کی زندگی میں شامل رہیں گے جو کہ مستقبل قریب میں آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ فائدہ مند ہوں گے امید ہے کہ میرے آج کے پروگرام سے آپ نے کافی امید ہے کہ میرے آج کے دن کے پروگرام سے آپ نے اپنے دن کو بہتر انداز میں گزارنے کے لیے کچھ بہتر حکمت عملی ضرور وضع دی ہوگی بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت دیں انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ